हेलो, आज मैं आपको छोटा सा एक टूर करवाता हूँ उस जगह का जहाँ मैं अपनी जिंदगी के 6 साल गुजारे हैं। CBM ये CBM बिल्डिंग की एंट्रेंस है। ये वो एरिया जहाँ पे अक्सर इस जगह पे एक लड़का और लड़की बैठे हुआ करते थे, या तो वेट करते थे कि बाकी ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं उनके क्लास से, या तो वो अपनी बातें कर रहे थे हाथ में जो बुक्स पकड़ के। और यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये एरिया, अब यहाँ पे वेंडिंग मशीन रख दी है। हमारे ज़माने में इस चीज़ का कोई दौर दौर नहीं था, नो वेंडिंग मशीन। एंड व्हेन यू एंटर दिस एरिया, यहाँ पे पहले हुआ करता था हैनीज सैंडविचेस एंड जूस यहाँ मिलते थे। उस तरफ था डेल फ्रायो जहाँ पे बहुत मज़े की वनीला आइसक्रीम साथ में चॉकलेट कुकी मिलती थी, ऑल्सो ब्राउनी। सो इट वॉज़ अ गुड एरिया जहाँ पे अपनी क्लासेस से निकल के जो है वो 5 मिनट के लिए यू कैन हैव समथिंग टू ईट एंड गो बैक अगेन टू योर क्लास। एज यू एंटर द CBM बिल्डिंग, यहाँ पे दे हैव प्लेस्ड अ लोकेटर कि यू आर हेयर ऑन द सेकेंड फ्लोर, लेफ्ट पे 205, 2011, राइट पे 213, 217, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पर। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी था यहाँ पे, व्हेन यू यूज्ड टू एंटर यू टू बी लाइक यार 205 किस तरफ होगा, 207 किस तरफ होगा, इसको ढूंढते थे हम लोग। तो विद द CBM's लोकेटर नाउ यू ऑल्सो हैव द टीचर्स लोकेटर। दिस टू गिव यू अ फ्लैशबैक ऑफ ऑल द टीचर्स यू मस्ट हैव स्टडीड विद, शुमाइला उमर, पीर मोहम्मद, इरफान शेख, सईदुररहमान, आई रिमेंबर यू सईदुररहमान साहब, इखलाक अहमद साहब, अब्दुल कादिर मौलवी, जावेद अहमद, फजल अलवर खिलडी, शगुफ्ता रफीक, जवेरिया बेग, मिसबा इकबाल, समिया रियाज, कामरान रब्बानी, आसिम खान, सारे टीचर्स और उनके इखलाक अहमद, फरीदाबाद विद द रूम नंबर्स। तो यार गुड इनिशिएटिव, सबके रूम नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ईजी टू लोकेट कौन कहाँ बैठा हुआ है, लीड टू चेंज। ये बहुत ही अवामी वॉशरूम हुआ करता था, मेल वॉशरूम। अगर आपने ये लिफ्ट चढ़ ली या इसके ऊपर पहुँच गए तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी वो आपके लिए कि आप लिफ्ट में ऊपर गए हैं, बिकॉज लिफ्ट इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स। एंड दिस इज़ दैट एरिया जहाँ आपकी एंट्रेंस हुआ करती थी, वहाँ से आप भागते हुए अंदर आते थे, गाड़ी पार्क करते थे और डायरेक्टली क्लास के अंदर जाते थे। अभी भी याद है 2009 में जो मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे CBM में, और यहाँ पे हम लोग गुजर रहे थे तो यहाँ पे पूरे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इतने बच्चे थे और सारे वहाँ पे वेट कर रहे थे कि नए बच्चे आएंगे उनकी करेंगे रैगिंग। किसी के हाथ में जो किताबें थी वो ले रहे थे, किसी के पास पैसे थे वो ले रहे थे, इट वॉज इनसेन। वहाँ पे पूरा टोला खड़ा हुआ था, वो तो ना बैड बॉयज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का, IT बिल्डिंग के बाहर। और हम लोग यूँ चलते जा रहे थे फर्स्ट डे, हम सोच रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, किसी को रोक के गाने गवा रहे थे, किसी को रोक के जो है वो उनसे पैसे निकलवा रहे थे। और यहाँ पे मुझे याद है दो लड़के आपस में बहस कर रहे थे कि मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं नहीं गाऊंगा गाना, और वो वहाँ पे जो उसको रैक कर रहे थे। और उस तरफ से तालिब करीम साहब चलते हुए आ रहे थे और सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो शरीफों की तरह वापस से लाइन में खड़े हो गए थे, ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो बंदा है जिसको देख के सब शरीफ बन जाते हैं, तो आगे ये ध्यान में रखना है। बिल्डिंग यहाँ पे मेरी 48 कोर्सेज में से सिर्फ 2 क्लासेस हुई थी, तो यहाँ पे कभी भी क्लास हुआ करती थी पूछते थे यहाँ पे क्यों क्लास होती हमारी यार, किसी क्लास यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। और ये वो स्टोन है, पता नहीं यहाँ पे क्यों रखा हुआ है इसको, लेकिन ये बहुत टाइम से है यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसकी हिस्ट्री ज़रूर होगी स्टोन के पीछे। एंड दिस वाज दिस एरिया जहाँ पे 2-3 बिल्लियाँ बैठा करती थी और यहाँ पे हमारा ग्रेट शावरमा वाला होता था। शावरमा वाला अब यहाँ पे नहीं है, अब नई बिल्डिंग का रास्ता बना दिए यहाँ से, बट दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे हर ब्रेक पीरियड में यू गेट द शावरमा, में लंबी लाइन लगी होती थी और यहाँ पे एक बर्गर वाला बैठा था बंदा। और आई शुड डू वॉज आई शुड गो इनसाइड, अंदर जाके मैं उसके अंदर घुसा था दुकान के, उसके
उधर भाई जल्दी से एक शावरमा खिला दो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्लासेस के बीच में 15 मिनट्स का तो था ब्रेक, तो ज़्यादातर वी नेवर यूज टू हैव टाइम। और यहाँ से इफ यू गो स्ट्रेट, दिस इज दैट एरिया जहाँ पर सारे जो लाइन्स हैं इन्होंने जो चीज़ें खोल दी हैं, दिस इज फ्राई इन द स्काई एंड देयर इज ला फायर। पहले वो यहाँ हुआ करता था, अब उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको। एंड दिस इज लाइब्रेरी जहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशंस और एग्जाम्स के दिनों में वी यूज टू गो, अदरवाइज सॉरी। हमेशा यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर सारे ख़राब, कभी कीबोर्ड ख़राब, कभी कंप्यूटर ख़राब है, वो बेहतर कर दिए होंगे इन लोगों ने। और ये थी हमारी एग्जामिनेशन बिल्डिंग, ये वो जगह थी जहाँ पे हम लोग हर एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले लाइन लगती थी। आईडी कार्ड दिखाओ अपने, अंदर जाओ, दिस इज़ एग्जामिनेशन बिल्डिंग। यहाँ पे ऊपर जो है वो 3rd या 4th फ्लोर पे एग्जामिनेशन का सेक्शन है, और जो पहले यहाँ से नीचे आ गया उसकी बड़ी अचीवमेंट थी। एंड दिस इज़ द स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। 4 साल में से 3 साल यहीं गुजरे हैं, 1 साल क्लासेस में गुजरा होगा। यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं एक्टिविटी सेंटर में क्या हो रहा है। ओके, दिस इज द एक्टिविटी सेंटर, दिस इज द ग्रेजुएट्स ऑफ 2018। हर साल यहाँ पे जो भी होते थे ग्रेजुएट्स उनकी पिक्चर्स यहाँ पे आती थी। दिस इज द एंट्रेंस, और यहाँ पे वही ब्रांडिंग, और यहाँ पे जो है वो सारे बच्चे अपनी टेबल कुर्सी ले आके बैठते थे। सोसाइटीज़ वाले नए नए अपने ओपन हाउसेस करवा रहे होते थे, कभी SHRS कभी SWOT। और अभी ये बंद है, अभी ये बंद है। दिस इज़ द कैफेटेरिया एरिया जहाँ पे आपको 100 रुपये की चिकन बिरयानी मिल। काफ़ी चिल हो रहा है यहाँ पे आज, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ज़माने में तो बहुत गर्मी हुआ करती थी, और यहाँ पे एक TV लगा होता था, अभी भी लगा हुआ है। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ से ऊपर जाते हैं, यूज़ टू गो टूवर्ड्स द टक शॉप एरिया। और टक शॉप था यहाँ पे एक, जहाँ पे प्रिंट आउट सब सोचते थे यार कौन पैसे देगा, जितना खर्चा प्रिंट आउट ने करवाया ना किसी ने नहीं करवाया, बहुत लूटते थे यार ये लोग प्रिंट आउट्स के लिए, 200-300 रुपये ऐसे ही निकालते थे। ये हाउसकीपिंग ऑफिस है, यहाँ पे जिम है, सोसाइटी रूम्स बने हुए यहाँ पे जहाँ पे सारे इंटरव्यूज़ होते हैं सोसाइटीज़ के, ओपन हाउसेस के। दिस इज़ अ स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर एरिया, और यहाँ पे इनके टक शॉप। दिस इज़ द एरिया ऑफ द टक शॉप, दिस इज़ द एरिया। और ये एरिया है किस स्पोर्ट्स रूम का जहाँ पर टेबल टेनिस और कैरम खेलते थे। सो यू शुड गो आउट फ्रॉम द सैक एरिया खा पी के, और कभी साल में एक बार होता था इंटर स्पोर्ट सोसाइटी फेस्टिवल, जो 3 दिन का इवेंट था, और ये पूरा एरिया जो है वो उस टाइम पे भरा हुआ करता था जब इंटर स्पोर्ट सोसाइटी फेस्टिवल स्टार्ट होती थी। एंड दिस वॉज दैट एरिया जहाँ पे फुटबॉल, फुटसॉल, डॉज बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सारे गेम्स हुआ करते थे। एंड देन जो भी सोसाइटी जो है वो सारे जितनी भी मेजॉरिटी इवेंट्स ही चलती थी, दे शुड बी अनाउंस द विनर ऑफ द इंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। यहाँ पे एक टेंट लगता था, और यहाँ पे कमेंट्री होती थी, और ये वो एरिया था जो यहाँ पे रश हुआ करता था बहुत सारा, और यहाँ पे एक चाट वाला था अंदर बैठा हुआ, और साथ में एक जूस कॉर्नर था, दिस वॉज जूस कॉर्नर। और ये पार्किंग का एरिया है, ये वो एरिया है जो हर लड़की को पता है कि उनको सिगरेट कहाँ जाके पीनी है, दिस इज़ दैट एरिया। यहाँ से आप बाहर जाओ, राइट पे जाओ, सिगरेट पियो, अंदर आ जाओ वापस। और ये वो एरिया है जहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन भी होती है, एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी होती हैं, और सारे कॉन्सर्ट, बसंत, सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। दिस इज़ दैट प्लेस जिसने इतना सिखाया है हमें। लॉट ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्राम हेयर हैव गॉन टू मल्टी नेशनल्स,
अभी पाकिस्तान को हर जगह पे सर्व कर रहे हैं वो. सो दिस इज़ दैट प्लेस CBM, जो उसकी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सबीना मोहसिन तालिब करीम, हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड देन ऑल द टीचर्स जिसे इतनी मेहनत करके हमें इस मुकाम पर पहुँचाया है. लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू असलम डोसा साहब, मकबूलुर रहमान, जितने भी टीचर्स हैं और जिनने मार्केटिंग पढ़ाई है, ब्रांडिंग पढ़ाई है, अकाउंटिंग पढ़ाई है, जिन जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, सबकी बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए. उस टाइम पे तो कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि सर क्या कर रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, हमें किस तरह से हमें एवेल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन अब जाके वो चीज़ें रियलाइज़ होती है कि जो भी उन्होंने मेहनत की है हमारे लिए, अब जाके हम जो है वो उस चीज़ को सही तरीके से समझ सकते हैं. एंड दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर मी. यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया है मैंने, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है मैंने यहाँ पे, और जितने भी लोग यहाँ पे जो हैं उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, दे वुड ऑलवेज रिमेंबर CBM एज अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉयमेंट की, बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, और आगे जाके उनको लाइफ में ज़रूर ये चीज़ें याद रहेंगी. सो CBM, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम इट. आई लव यू. बाय बाय.